लगा है और इस तूफान के कारण बेगूसराय में अचानक ठंड बढ़ गई है। लोगों की माने तो अचानक बेगूसराय में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। लोगों ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी से उठी तूफान का असर बेगूसराय में देखने को मिल रहा है। आपको बताते चले कि गुरुवार को हुई बारिश की वजह से ठंड बेगूसराय में अचानक बढ़ गया। वहीं बारिश होने के बाद किसान को बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि अभी जो नया फसल बुआई की गई है, अगर बारिश हो रही है तो बहुत ज्यादा किसानों को फायदा होगा। बंगाल खाड़ी से चक्रवाती तूफान मिचांग का असर बेगूसराय में भी देखने को मिल रहा है। इसको लेकर बेगूसराय में ठंड का असर भी अब लोगों को सताने लगा है। अब इस वक्त हम खड़े हैं बेगूसराय के हड़ताली चौक पर, जहां आपको मैं तस्वीर में दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से आज ठंड का असर है और ठंड से बचने के लिए लोग चाय का सेवन कर रहे हैं। आप तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं आज बेगूसराय का जो नज़ारा है, ये हड़ताली चौक का नज़ारा है। लोग ठंड से बचने के लिए सुबह से ही चाय का सेवन कर रहे हैं, क्योंकि अचानक ठंड बढ़ गया है जिससे लोग आप परेशान होने लगे। आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं आज चाय के दुकान पर काफ़ी भीड़ है। आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से देख सकते हैं ठंड से बचने के लिए लोग चाय का सेवन कर रहे हैं। चाय का सेवन कर रहे हैं सुबह से। सुबह से ना अचानक आ गया, अचानक ठंड आ गया। कैसे? कल से ही अधिक ठंडा। ठंड तो बहुत ज़्यादा है जी, उसी वजह से हम लोग ठंड के मौसम के साथ चाय का लुत्फ ले रहे हैं। आज ज्यादा भीड़ है, आज ज्यादा भीड़ है, ठंड भी है। ठंड तो बढ़ गया बहुत ज्यादा, लेकिन क्या करें, हम लोग चाय नहीं पीते थे। आज फील्ड से जब मॉर्निंग वॉक करके निकले हैं तो लास्ट में चाय पीना पड़ गया, इतना ठंड बढ़ गया। बेगूसराय में अचानक बढ़ गया, अचानक कल से ज्यादा है आज। और सुबह जब हम लोग निकले मॉर्निंग वॉक के लिए तो देखे ठंड ज्यादा बढ़ी हुई है, तो वापसी में हम लोग बैठ के चाय दुकान पर चाय का मजा ले रहे हैं। ठंड अचानक नहीं आया है, ये ठंड को पहले आना चाहिए था। और इसको निगेटिव वे में नहीं, पॉजिटिव वे में देखिए, फसल के लिए कितने फायदेमंद होंगे। और मार्केट में जो लोग जैकेट स्वेटर खरीद के बैठे हुए हैं उनकी सेल जंप करेगी। और ठंड जो है हेल्दी सीजन होता है बॉडी के सिस्टम के लिए, तो इसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। हाँ, ठंड से बचाव का जो उपाय है वो हर इंसान को करना चाहिए। गरीब तबके के जो लोग हैं सरकार के द्वारा उनको कंबल वितरित किया जाना चाहिए। आपने सुना किस तरह से लोगों का कहना है कि ठंड आज जो है अधिक है, अचानक ठंड बढ़ा है, लेकिन लोगों का कहना है कि ठंड और पहले आना चाहिए, क्योंकि ठंड का सीजन दिसंबर से माह से ही शुरू हो जाता है। और मैं आपको बता दूं कि बेगूसराय में अचानक ठंड बढ़ने के बाद लोग गर्म कपड़ा का यूज करना शुरू कर दिया। इस वक्त जी मीडिया के लिए बेगूसराय से जितेंद्र कुमार। और इसी बीच